करना चाहता हूं कि कुरान का आवाज
के बाद जिस समय बुखारा से होता है उसमें परवरदिगार आलम ने बिस्मिल्लाह का हमारी नशीन के बाद जिस हुरूफ मुकद्दरा को इस्तेमाल किया है उसे अलिफ लाम मीम कहते हैं और उस अलिफ लाम मीम के फौरन बाद कहा गया ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना यूमिनूना बिल्ग़ैब। अलिफ लाम मीम ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ला रैब फ़ीह इसमें कोई शक नहीं है, इस किताब में कोई शक है ही नहीं, जो इस किताब में शक करे वो मुत्तकी नहीं है। और परवरदिगार आलम कुरान का इफ्तिताह ही इस बात से करता है कि कुरान मजीद को और अल्लाह के कलाम को ला रैब फ़ीह मानो, कि इसमें न कोई रैब है न कोई ऐब है न कोई गुमान है, ये यकीन ही यकीन की किताब है, इसलिए कि यह खालिक इल्म का कलाम है, किसी अहले कलम का बयान नहीं है। इस किताब में न किसी खतीब की खिताबत है और न किसी अहले कलम की जोर अफजानियां हैं, बल्कि ये उसका कलाम है जो खुद इल्म का खालिक है। और उसने इस किताब को चूंकि कयामत तक के लिए मुकम्मल साबित हयात बनाना है सारी इंसानियत के लिए, सारी बशरियत के लिए, सारी आदमियत के लिए, सारे जिन्नो इंस के लिए, तो यकीनन इस किताब का एक एक लफ्ज एक एक हर मौकम हिकमत का खजीना इल्म का मदीना। सिर्फ जरूरत इस अमल की है कि इस किताब को हिदायत हासिल करने के लिए आदमी तकवा इख्तियार करे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए मुस्लिमीन के लिए नहीं मुत्तकीन के लिए। तो तय हो गया कि परवरदिगार अपने बंदे से सिर्फ मुसलमान होने का मुतालबा नहीं करता बल्कि मुत्तकी होने का मुतालबा करता है। तो मिनल्लाह जिंदगी मुसलमान की जिंदगी नहीं है, मुत्तकी की जिंदगी है, जो है भी मिनल्लाह और है भी इलल्लाह। सलावत भेजे मोहम्मद ये है कुलिया। अल्लाह ने जो यहां मुत्तकीन की एक कैद लगाई है और एक शर्त लगाई है कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। झगड़ा इस बात पर चला आ रहा है 1400 वर्ष से, झगड़ा तो नहीं नजरियाती इख्तलाफ समझ लीजिए कि साहब ये मुत्तकी कहते किसे हैं, मुत्तकी की तारीफ क्या है। अब चूंकि इंसान सहल पसंद वाकई हुआ है, दिलो दिमाग से जोर नहीं देना चाहता, आसान जिंदगी गुजारना चाहता है, तकलीफ उठाने का कायल नहीं है, इसलिए इंसान ये चाहता है कि वो आसानी से बस जिंदगी के दिन पूरे करता चला जाए। जबकि कुरान ये मुतालबा करता है कि नहीं, तदब्बुर करो कुरान में, तफक्कुर करो कुरान में, ताअक्कुल करो कुरान में, गौर व फिक्र करो कुरान में, जीरगी में डूब कर मुताला करो कुरान का। और जब तुम कुरान का मुताला जीरगी में डूब कर करोगे, गहराइयों में उतरोगे, कुरान के समंदरों की तहों में उतरोगे, तो वहां से तुम माना और मफाहीम के वो मोती लेकर आओगे जो तुम्हें एक तकवे का ताज अता करेंगे। सलावत ये मैं यहां पर गुफ्तगू करता हूं ना वो बिल्कुल आपके बलंद तरीन मेयारे समाज के ऐन मुताबिक और इस मजमून के ऐन मुताबिक मेरी कोशिश होती है अपनी कमीलमी के बावजूद कि वो बातें आपके शादाब जहनों की नजर हो। हिदायत है ये किताब मुत्तकीन के लिए। तय नहीं हो सका अजीजा ने मोहतरम आज तक कि मुत्तकी कहते किसे हैं, तकवा है क्या चीज। हर वर्ग पर हर दूसरे तीसरे वर्ग पर कुरान के आपको तकवा तकवा तकवा
ये सब लफ्ज नजर आए हैं, लेकिन नई कोशिश की, नई जद्दोजहद की लोगों ने इस अमर की कि पहचान सकें कि मुत्तकी कौन है, तकवा किसे कहते हैं, साहिब तकवा कौन है। आसान सा ये रास्ता निकाल लिया साहब, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मुत्तकी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे मुत्तकी, जो नमाज पढ़े मुत्तकी, जो कुरान पढ़े मुत्तकी, जो सजदा करे मुत्तकी, जो काबे जाए मुत्तकी, जो हज करे मुत्तकी, जो उमरा करे मुत्तकी, जो शब्द की नमाजें पढ़े मुत्तकी, जो खैरात करे मुत्तकी, जो ये करे मुत्तकी, जो भी अमल सालेह करे बस वो मुत्तकी। हाँ, ये भी तकवे के कुछ अज्जा हैं, लेकिन ये तमाम चीजें इंसान को मुत्तकी नहीं बनाती। अल्लाह मुत्तकी की जो तारीफ कुरान में करता है वो लुगत की तारीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ने एक लफ्ज में मुत्तकी की तारीफ बयान की, ये हुदत ने मुत्तकीन लजीना जो मेरे रब गए। मुत्तकी वो नहीं है जो दिन रात सजदों में पड़ा रहता है, या जो दिन रात खाने काबा की दीवार के नीचे पड़ा रहता है, या जो दिन रात अल्लाह के इबादतों में मसरूफ रहता है। मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखता हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये सबसे बड़ा मसला है, तो जो है ना जो मसला, और जो गैब पर ईमान रखेगा वो मुत्तकी होगा, और जो मुत्तकी होगा ये किताब उसी के लिए हिदायत होगी। अब मैं तो बड़ा सा अजीब सा जुमला कह रहा हूं, अगर आप गौर फरमाने के जुमले पर, ये किताब रोशनी है, हिदायत है, चराग है उस मुत्तकी के लिए जो गैब पर ईमान रखे। अगर इस किताब में किसी को रोशनी नजर ना आए, चराग नजर ना आए, माना नजर ना आए, मसाइल का हल नजर ना आए, आयतों की तफसीर नजर ना आए, मतलूब बारी को न समझे, मक्कू में वही को न समझे, तो समझ लो मुसलमान तो है मुत्तकी नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद आर मोहम्मद का। ये है वो मंजिल फिक्र जिसे देखना भी चाहिए और महसूस भी करना चाहिए। जब किताब खुद ऐलान कर रही है कि ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है, साहिबान तकवा के लिए, और मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखता हो। अदीदान मोहतरम, ये तो है कुरान की तशरीह कि कुरान ने एक लफ्ज में सारे मफहूम तकवा को बयान कर दिया कि गैब पर। अब गैब पर ईमान के सिलसिले में कोई एक्सेप्शन नहीं रखा, कोई इस्तिस्ना नहीं रखा कि अपनी मर्जी के गैब को मानो और अपनी मर्जी के हाजिर को मानो। सलावत भेजे, सलावत भेजे मोहम्मद आलम। यानी ये इजाजत नहीं है कि जो आपको पसंद आए उस गैब को तो आप मान लें, चाहे शैतानी क्यों ना हो। तवज्जो है ना, जो आपको पसंद आए उस गैब को मान लें, चाहे वो शैतानी क्यों ना हो, और जो आपको पसंद ना आए या आपके मिजाज के खिलाफ हो उस गैब पर आप सवालात की बौछार करते रहे, ये गायब कैसे हैं, गायब कैसे हैं, अब तक जिंदा के सलावत भेजना मोहम्मद आ रहे हो बेटा, सलामत रखे, ये इतनी बड़ा सवाल भी भेजते मोहम्मद। यहां गैब पर कोई सस्ता नहीं है कि आप किस गैब पर ईमान, नहीं, मुकम्मल गैब, जो भी गैब है उस पर ईमान रखना है। और अब तकवे की दो तारीफ है आज की मजलिस की हद तक, और फैसला आप पर छोड़ता हूं, और नतीजा भी यहीं से गैब का और तकवे का आएगा, और यहीं से ये जिंदगी के मिनल्लाह और इल्लल्लाह जिंदगी क्या है ये वाजिब हो जाएगी। वो ये कि इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान और मुसलमान भाइयों के यहां इंतहाई मातबर, बड़ी काबिल एतबार है उनकी रवायात और उनकी तफसीर, जो उनसे कुछ बातें पूछी गई हैं शायद उसी में जवाब दिया जाए। आज की मजलिस में जो भी मुझे डॉक्टर साहब ने पर्चा दिया, मैं हमारे कुछ कई सुनत भाइयों ने कुछ बातें पूछी, शायद उसका जवाब भी इसी जुमले में आ जाए, चूंकि दामन वक्त को जायज कम होती है, लेकिन कोशिश करूंगा कि वो उनकी तशरी हो जाए, उनकी मेहरबानी कि वो तशरीफ लाते हैं मजालिस में।
अजान मोहतरम, ये देखें कि इब्न अब्बास मिलत इस्लामिया के दरमियान एक ऐसे सिका शख्सियत का नाम है कि जिन पर कुरान मजीद की तफासीर का दारोमदार है, यानी उन्होंने जिन आयात की तफसीर कर दी, मुसलमानों की अक्सरियत उनकी तफसीर को रद्द नहीं करती। एक तो है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और एक है अब्दुल्लाह इब्न मसूद, दो है ये शख्सियत है। इन दोनों पर पूरे फरामीन मिलत इस्लामिया और शराए मिलत इस्लामिया, मुसलमानों के जितने शरीयतों के कवानीन और कवायद हैं, वो इन दो शख्सियतों पर बेस करते हैं कि ये अथॉरिटी है, ऑथेंटिक है, हुज्जत है, इनकी बात गलत नहीं है। जो तफसीर इन्होंने कर दी बस वो सही है, जो बात इन्होंने कह दी बस वो सही है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं और अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं। फैजान मोहतरम, आप तवज्जो करेंगे इस मुख्तसर से वक्त में कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मोतबर तरीन मुफस्सिर हैं, कुरान मजीद के ऐसे मुफस्सिर हैं कि तमाम रात मौलाए कायनात की खिदमत में बैठे रहे, सूरह हम की तफसीर पूछते रहे। तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। जान मोहतरम, इब्ने अब्बास तमाम रात बैठे रहे मौला की खिदमत में, सूरह हम की तफसीर पूछते रहे। बाबे गुरु में रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मुसलसल इन सात आयतों की तफसीर बयान फरमाते रहे, निकात बयान फरमाते रहे। तमाम रात बसर हो गई, तमाम रात गुजर गई, तमाम रात गुजर गई, सूरह हम की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। तो मकाम तअज्जुब पर एक मरतबा इब्ने अब्बास कहते हैं, मौला नमाज सुबह का वक्त हो गया है, अब तो आप नमाज के लिए आमादा हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कुरान मजीद की इस मुख्तसर सी सूरह हम की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। बोला मेरे मौला फरमाते हैं, इब्ने अब्बास याद रखो, जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह हम में है, जो सूरह हम में है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में है, जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में है वो बे में है, जो बे में है वो उस नुक्ते में है जो बे के नीचे है, और तेरा मौला अली वो नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह है। यानी इब्ने अब्बास क्या कहते हैं कि मेरे नजदीक अली का मर्तबा ये है, मेरे नजदीक अली का मर्तबा ये है कि कुरान अगर अपनी मंजिल